2024 आ रहा है, जो मोदी मीडिया कह रहा है देश के अंदर, खूब वाहवाही कर रहा है कि 15 लाख का है, वो कहाँ है? 14 से 19 से 19 से 24 हो रहे आने वाला है कि अभी तक तो आप एक प्राइमरी स्कूल नहीं दिए हैं, और जनता को आप क्या दिए हैं? जनता को भी धमका रहे हैं वहाँ बैठ के, जनता भी एक लवर उनके खिलाफ नहीं बोल सकती। ये जो चैनल चला रहे हैं, गलत करे, अच्छा करे, सही करे, सब में वो वाह वाह कर रहे हैं। इनके खुद के नेताओं पर, एमएलए पर एफआईआर दर्ज है, प्रूफ मौजूद है, उन पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है, उनको अरेस्ट तक नहीं किया जाता है। और ये तो हिटलर शाही हो गया कि आप मत बोलिए, आप कह दीजिए, सारा मीडिया को बंद कर दीजिए देश के अंदर। इस तरीके के बेबुनियादी इल्जाम आए दिन लगाए जा रहे हैं, इनके खुद के नेताओं पर, एमएलए पर एफआईआर दर्ज है, प्रूफ मौजूद है, उन पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है, उनको अरेस्ट तक नहीं किया जाता है। और आए दिन इस तरीके के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मीडिया हाउसेस पर, चाहे वो कश्मीर में था, कश्मीर वाला हो, वायर हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, न्यूज क्लिक हो, इन पर आए दिन हमला हो रहा है। ये जनता समझती है, जनता आज अपने फोन में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को देख रही है, अपनी स्क्रीन पर आज तक को इस तरीके के गोदी मीडिया को बंद कर रही है, अनसब्सक्राइब कर रही है। इस बात से इनको डर लगता है। जो राष्ट्रवादी पत्रकार है वो खामोश है, डिबेट करते हैं छोटे छोटे मुद्दों पर, लेकिन इन मुद्दों पर खामोश है। देखिए, उनको राष्ट्रवादी कहना भी गलत होगा, ये वो मीडिया वाले हैं जो आज देशद्रोही कौन है, देशभक्त कौन है, उसकी कोई पुख्ता डेफिनेशन नहीं है, कोई पुख्ता डेफिनेशन नहीं है। जो सरकार की चाटुकारी करने के लिए तैयार है, ठीक है, जो सरकारी देशभक्त है वही देशभक्त है, ठीक है, जो जनता की हकीकत को दिखाने के लिए मौजूद है, जो जनता के हक में बात करने के लिए मौजूद है, वो आज के समय में देशभक्त नहीं है। तो आज सरकारी देशभक्त के पदों पर लगातार भर्तियां जा रही हैं, और हम देख रहे हैं इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया लुढ़क कर हर साल 161वें पायदान पर आता है। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको कि हमारे देश में क्यों जर्नलिज्म पर, इंडिपेंडेंट मीडिया पर अटैक किया जा रहा है? सरकार को डर है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, उसके बाद इस तरह के मुद्दे होते हैं। देखिए, आगामी चुनाव आने वाले हैं, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग इलाकों से जनता सरकार के सामने जो हकीकत है, जो परिस्थितियां हैं, जो खराब परिस्थितियां, जो त्राई त्राई मची हुई है, उसको सामने लेकर आ रहे हैं अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए। और इसमें इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का, इंडिपेंडेंट मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का। तो इसीलिए यहां पर ये शूट द मैसेंजर की जो कवायद है सरकार की, उसको हम पूरी ताकत से आज तूल देते हुए देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग आए हैं यहाँ समर्थन में, पत्रकारों के समर्थन में, ये भी हमारा संविधान इजाजत देती है कि जो मीडिया, क्या जो सही लोग हैं पत्रकार, वो यही तो कह रहे हैं कि 15 लाख का है, वो कहाँ है? 14 से 19 से 19 से 24 हो रहे आने वाला है। तो यही तो कह रहे हैं कि अभी तक तो आप एक प्राइमरी स्कूल नहीं दिए हैं, और जनता को आप क्या दिए हैं? अभी G20 में एक सवाल तक विदेशियों को, जो राष्ट्रपति आए थे बाहर के, एक उनको एक सवाल पूछने नहीं दिया, और जो मीडिया पर्सन के लोग खड़े थे तो हाथ ऐसे करके हिलाते हुए और चले गए। यही जमहूरियत है क्या? यही प्रजातंत्र है क्या? यही मीडिया की आजादी है क्या? एक सवाल रोक लगा है, क्यों लगा, तो क्या मीडिया को? हमारा जो संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, उसमें स्वतंत्र है मीडिया, इस देश का आजादी मिली हुई है कि सरकार अगर मुद्दे से हट जाए और जनता की बात नहीं सुन रही है, तो उसके खिलाफ आप आंदोलन छेड़ सकते हैं। ये कोई सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, ये सरकार के खिलाफ किसी तरह का मिशन नहीं है, वो जनता की बात कर रहे हैं, उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। मोदी सरकार को मतलब मीडिया आईना दिखा रही तो हमको जाके जेल में पटक देंगे, सही है? बिल्कुल सही नहीं, यही तो बात हम कह रहे हैं कि जो जनता की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, जनता की बात, देश की बात उठा रहे हैं, वो अच्छी बात कर रहे हैं, तो तब जाकर के उनको आप उनके खिलाफ टॉर्चर करते हैं, फिर वो आप दिल्ली पुलिस को भेजते हैं, और बिना नोटिस के, बिना किसी तरह के ज्ञापन के, आप उसको सुबह ही घर पे रेड करते हैं, 10-10 घंटा पूछताछ करते हैं।
और उनका गहन से जांच करते हैं। बताइए ये इस तरह से मीडिया पर प्रहार करेगी सरकार तो क्या क्या वो जनता की आवाज कैसे उठाएगी और जनता की आवाज देश में कैसे गूंजेगा, ये हमारा कहना है। आरोप यह है सरकार का कि विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं, ये बहाना है, ये फंसाने के लिए बहाना है, उनको फंसाने के लिए मीडिया को कि वो बहाना खोज रहे हैं, वो बहाना खोज रहे हैं ताकि 2024 आ रहा है उसमें इनको जो है ऐसा न बोले, ऐसा न पूछे ताकि हमारा वोट कम हो। जो मोदी मीडिया कह रहा है देश के अंदर खूब वाहवाही कर रहा है, उनके पास कहाँ जा रहा है? लड़ाना चाहते हैं क्या सरकार? लड़ाना नहीं चाहते हैं, सही बात, डराना चाहते हैं, डराना चाहते हैं देश के। बोला जो मोदी सरकार तानाशाही की नीति चला रही है, तो यही तो हम कह रहे हैं, ये राजतंत्र है, कहते हैं कि प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है, ये तो हिटलर शाही हो गया कि आप मत बोलिए, आप कह दीजिए सारा मीडिया को बंद कर दीजिए देश के अंदर। सुरक्षित हाथों में देश है, सुरक्षित है, सुरक्षित हो कहते एक पत्रकार, अच्छे पत्रकार टीवी में बैठे हुए हैं वो तो सिर्फ क्या करते हैं तो आप सब जानते हैं और जनता भी जानती है और हम सब लोग जानते हैं। जनता को अच्छा नहीं लग रहा है, जनता को भी धमका रहे हैं वहाँ बैठ के, जनता भी एक लवर उनके खिलाफ नहीं बोल सकती, तो इसलिए वो उनका तो वो है ही जो चैनल चला रहे हैं, गलत करे अच्छा करे सही करे सब में वो वाह वाह कर रहे हैं। तो बैन कर दिया 14 पत्रकार को, ये तो गलत है ना, 14 पत्रकार को कांग्रेस अलायंस ने बंद कर दिया, बैन कर दिया, बंद कर दिया, ये भी तो तानाशाही है, बंद लगा दिया जो डिबेट में नहीं जाएंगे। हाँ तो जो मान लीजिए कि अगर सही तरह मान लीजिए कि अगर वो गलत है, किसी तरह का गलत न्यूज दिखा रहे हैं, रियल नहीं है, सही नहीं है, मुद्दे से भटका रहे हैं, जनता की बात नहीं उठाया जा रहा है, सरकार की बात जो है गलत तरीके से पेश कर रहा है, तब उसके खिलाफ आपका हक बनता है उसको धमकाने का, बैन करने का, प्रतिबंध करने का। लेकिन जो लोग सही है, जेन्युइन है, हमारा ये कहना है, जो जनता की आवाज उठा रही है, और आप जो है आप देश के अंदर एक भी काम जो है जनता के भलाई के लिए नहीं किए, अब 2014 से लेकर के अभी देख लीजिए कि एक हमको कोई बता दे नहीं, लिखित तौर पर अगर एक प्राइमरी स्कूल बनवा दिया हो, अगर विदेश के जनता कहते हैं कि हर साल हमारा एक IIT बनता है और यूनिवर्सिटी बनता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं, जमीन पर कह रहे हैं कि जमीन पर एक आप बता दीजिए कि एक प्राइमरी स्कूल उनका बनाया हुआ हमको दिखा दीजिए, ऐसे विदेशों में डंका बज रहा है, वो तो पता चल ही गया, वहाँ जो बोल रहे यहाँ खंडन हुआ ही, तो कहाँ बन रहा है, कौन जगह बन रहा है, IIT कहाँ संस्था बन रहा है, तो वहाँ बोल के चला, यहाँ आप लोग देख रहा है कोई दिखाई दे रहा है, कोई बन रहा है, बताइए कोई बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है, कई जगह एम्स बन गए पूरे देश में, एम्स बना रहे हैं, एम्स पूरे देश में कहाँ बन रहा है, वो तो एम्स का प्रोग्राम ही है पूरे देश में, वो तो उनका थोड़ी है, वो तो शुरू से आ रहा है सेंटर सरकार का, वो तो आज की बात थोड़ी है एम्स का, एम्स का तो मामला है कि पूरे देश में लोग एक ही जगह गैदरिंग हो जाता है मरीजों का, तो ये हुआ कि हर स्टेट में कर दिया जाए ताकि सहूलत हो, लोग एक जगह न आए। चलिए ठीक है।